हेलो गाइस, आई एम तमन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। समोसे जो कि आज हम लोग कीमे से बनाने वाले हैं, तो ये आज हम लोग कीमा समोसे बनाने वाले हैं। पोटैटो समोसे जैसे होते हैं वैसे ही कीमा समोसे हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत अमेजिंग बनते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उसके लिए मैंने ये कीमा रेडी कर लिया है और इसके अंदर जाने वाली हैं ये कुछ अनियन है जिन्हें मैंने कट कर लिया है, बस बहुत बारीक नहीं करना। और ये कुछ कोरिएंडर है, धनिया पत्ती हैं, इन्हें भी हमें इसमें ऐड करना है। तो इन्हें इसके अंदर हम लोग इस टाइप से डाल के मिक्स कर देते हैं एक स्पून की हेल्प से। और मैदे का डो रेडी करना है अभी हमें। तो कोई भी आप बर्तन ले लीजिए और उसमें आपको मैदा डालना है। जितने आपको समोसे बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैदा लेना है। तो मैंने ये वन बोल ले लिया, ये छोटा सा मैंने बोल लिया है और ये टू ले लिया। आप भी, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही आपने, आप कोई भी अपने घर में जो भी आपके बोल हो उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो मैंने ये टू बोल लिया है। ये जाएगी थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन से फ्लेवर बहुत अच्छे से इनहेंस हो जाता है। थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ऑयल, आपके पास में जो ऑयल हो, वेजिटेबल ऑयल हो या कि रिफाइंड ऑयल, वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास में घी है तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। ठंड है, ठंड के मौसम में घी जम जाता है, इसलिए मैंने घी नहीं ऐड किया है। और ये थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स इसमें भी ऐड कर देना और नॉर्मल वाटर लेना है और उसकी हेल्प से आपको थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसके एक स्मूथ डो रेडी कर लेना है। डो बहुत स्मूथ होना चाहिए। तो अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ और इसका डो रेडी कर लेती हूँ। ये मैदा आपके हैंड में इस टाइप से हो जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा हैंड पे ऑयल अपने डाल लीजिए और फिर आप करेंगे तो ये बहुत ही स्मूथली आपसे डो रेडी हो जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं, बस देखिए ये थोड़ा ही सा ऑयल ले रही हूँ और बस इस टाइप से इस पर कर लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा जो आपके हैंड में ऑयल है उसे ऐसे नीचे भी लगा सकते हैं। बस इसी टाइप से करते रहिए, ये बहुत स्मूथ हो जाएगा आपका डो। और अगर आप ज़्यादा देर इसे नहीं करना चाहते हैं, स्मूथ नहीं करना चाहते हैं, तो इस टाइप से आप करके इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस, आटा हमारा सेट हो गया है। अब इसमें से हमें छोटे छोटे से बॉल्स लेने हैं। इस टाइप से छोटे छोटे बॉल ले लीजिए और लेके इनको इस टाइप से हमें इस टाइप से बना लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे ये सारे समोसे बनके रेडी हो गए हैं। चलिए अब ऑयल को हीट कर लेते हैं। ऑयल हमारा हीट हो गया है अच्छे से। अब हमें फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें हमें अच्छे से फ्राई करना है।
याद रखिएगा कि हमें पहले फ्लेम को हाई करना है और फिर मीडियम टू को लो कर देना है। वन साइड से होगा, इन्हें अभी हमें टर्न कर देना है और दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक करना है। आप देख सकते हैं हमारे समोसे बनके रेडी हो गए हैं, बस इन्हें अब सर्व करना है। तो चलिए इनकी प्लेटिंग भी कर ली जाए। आप देख सकते हैं हमारे कीमे के समोसे बनके रेडी हो गए हैं। ये बहुत टेस्टी बने हैं, आप एक बार इन्हें ज़रूर इसी टाइप से बना के ट्राई करिएगा, फिर देखिए ये कितने टेस्टी बनेंगे और आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। आई होप कि आपको पसंद आए जैसे मैं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। तो गाइज़ ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।